दक्षिण कोरिया की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी किया ने अपनी स्पोर्टज एसयूवी के नेक्स्ट जेनरेशन मॉडल को लॉन्चिंग से पहले आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। कंपनी ने इस एसयूवी के तस्वीरें जारी की है, जिससे पता चलता है कि पांचवी पीढ़ी की स्पोर्टज एसयूवी कार कैसी होगी। किया स्पोर्टज एसयूवी की लेटेस्ट तस्वीरों से पता चलता है कि स्टाइलिंग के लिहाज इस कार के एक्सटीरियर में बहुत बदलाव किए गए हैं। इसके साथ ही कार के इंटीरियर और इंजन में भी बदलाव देखने को मिले हैं। बता दें कि नई किया स्पोर्टज 2022 एसयूवी में किया की नई डिजाइन लैंग्वेज का प्रभाव साफ तौर पर दिखाई देता है। इस एसयूवी का डिजाइन कोरिया, जर्मनी, अमेरिका और चीन में किया के मुख्य वैश्विक डिजाइन नेटवर्क के आपसी सहयोग का नतीजा है। नई प्रीमियम 5 सीटर एसयूवी स्पोर्टज में बिल्कुल नए डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है। इसमें ब्रांड की नई फ्लैगशिप F6 इलेक्ट्रिक कार के स्टाइल का भी प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। इस एसयूवी को किया के नए डिजाइन फिलोसफी अपोजिट यूनाइटेड पर आधारित अगला मॉडल होगा। इसकी वजह से इस एसयूवी का लुक काफी एग्रेसिव और बेहतर डिजाइन कैरेक्टर वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक नई किया स्पोर्टज 2022 मॉडल को जुलाई के महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री के लिए उतारा जाएगा। कंपनी सबसे पहले इसे अपने घरेलू बाजार दक्षिण कोरिया के बाजार में बिक्री के लिए उतारेगी। नई किया स्पोर्टज में हुए अपडेट्स इसे पिछले मॉडल की तुलना में खास बनाते हैं। 2022 किया स्पोर्टज एसयूवी में उसी N3 प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया है, जिसका इस्तेमाल नई ह्यूंडई ट्यूशो और किया के 5 एसयूवी के लिए किया गया था। 2022 स्पोर्टेज के डिजाइन को इसके पिछले मॉडल की तुलना में हर एंगल से आसानी से अलग किया जा सकता है। स्पोर्टेज एसयूवी के सामने के हिस्से में एक बड़ी ग्रिल के साथ सीधी रेखाएं हैं। इसमें बुमरैंग के आकार में LED डे टाइम रनिंग लाइट्स कोनों में दी गई है, जिसके पीछे मेन हेडलाइट्स है। फ्लोटिंग साइड लाइन अब पहले ऐसी कहीं ज्यादा स्पोर्टी है, क्योंकि यह धीरे धीरे पीछे की ओर उठती है और डी पिलर पर टॉप पर पहुंचती है। एसयूवी की ऊपरी बॉडी को भी रीडिजाइन किया गया है, जो पहले से ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गई है। पांचवी पीढ़ी की स्पोर्टेज एसयूवी में 2022 किया स्पोर्टेज एक्स लाइन वर्जन भी होगा। वहीं इसमें खास डिजाइन के साथ अलग दिखने वाला फ्रंट बम्पर, ग्लॉस ब्लैक फिनिश, बड़े रूफ बार और अधिक स्पष्ट रियर स्पॉइलर को शामिल किया गया है। डिजाइन को लेकर खासी चर्चा। 2022 किया स्पोर्टेज एसयूवी की डिजाइन को लेकर खासी चर्चा हो रही है। कंपनी के ग्लोबल डिजाइन सेंटर के हेड और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट करीम हबीब का कहना है कि स्पोर्टेज को फिर से रीडिजाइन करने से हमारी प्रतिभाशाली डिजाइन टीमों को कुछ नया करने का जबरदस्त मौका मिला। आधुनिक और अभिनव एसयूवी डिजाइन के माध्यम से ग्राहकों को प्रेरित करने के लिए हालिया ब्रांड रिलॉन्च और EV6 SI प्रेरणा ली। बिल्कुल नई स्पोर्टेज के साथ हम सिर्फ एक कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, बल्कि एसयूवी क्लास में एक अलग स्तर पर पहुंचना चाहते थे। स्पोर्टेज कार के आगे और पीछे दोनों तरफ किया का नया लोगो दिया गया है। कंपनी ने हाल ही में अपना नया लोगो पेश किया था। सबसे खास बात यह है कि किया स्पोर्टेज कार के 28 साल के इतिहास में पहली बार अलग अलग बाजारों के लिए इसका अलग अलग वेरिएंट होगा, जिसमें यूरोपीय ग्राहकों के लिए एक खास वेरिएंट पेश किया जाएगा। हालांकि अभी शुरुआती चरण में यह साफ नहीं है कि अलग अलग बाजारों के वेरिएंट्स में क्या अंतर होगा। फीचर्स और इंजन। किया स्पोर्टेज एसयूवी में कई शानदार फीचर्स देखने को मिलेंगे। इसका इंटीरियर लुक भी काफी आकर्षक होगा। किया ने 2022 स्पोर्टेज के अंडर पारंपरिक गियर लीवर को रोटरी गियर सेलेक्टर के साथ बदल दिया है। गियर में ड्राइविंग मोड का विकल्प, सीटों के हीटिंग और वेंटिलेशन कंट्रोल भी दिया गया है। एसयूवी में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डुअल स्क्रीन डैशबोर्ड के साथ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स दिए जाएंगे। पैसेंजर साइड डैशबोर्ड भी काफी आकर्षक स्टाइल वाला है। कंपनी ने नई किया स्पोर्टेज के इंजन के बारे में आधिकारिक रूप से कोई डिटेल्स साझा नहीं की है। अनुमान है कि आने वाले महीनों में इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में खुलासा हो जाएगा। किया इस समय भारत में सेल्टोस, सोनेट और कार्निवल MPV की बिक्री करती है। कंपनी ने हाल ही में अपनी सेल्टोस और सोनेट दोनों एसयूवी के अपडेटेड वर्जन और कार्निवल के लिए बायबैक स्कीम लॉन्च की है। किया भारतीय बाजार में अपनी ऑल न्यू MPV पेश करने की तैयारी में है, जो 2021 के आखिर या 2022 की शुरुआत में लॉन्च की जा सकती है।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो कमेंट करके बताएं।